प्रायोगिक विधियां खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है रासायनिक बलगतिकी के सिद्धांत। उसमें फर्स्ट है सिद्धांत अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव या आरेनियस सिद्धांत। क्या होता है संगठ सिद्धांत के अनुसार? संगठ सिद्धांत क्या होता है? संगठ सिद्धांत में रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है? उन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है जिनमें टक्कर अधिकतम। मतलब जैसे जैसे हमने क्या किया, अभिक्रिया का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग का मान बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन अभिक्रिया वेग बढ़ गया, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा से अणु आपस में टकराते हैं और प्रभावी टक्करों का अंश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे टक्करों का अंश बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे और अभिक्रिया का वेग बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन वास्तविकता में अणुओं के मध्य की टक्करों की संख्या की वृद्धि की तुलना में वेग कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे हमने ताप को बढ़ाया, ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा। वेग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर जितनी टक्करों की संख्या जितनी बढ़ेगी उसकी तुलना में वेग कई गुना बढ़ जाता है। किसके आधार पर? हम ताप गुणांक पढ़ा होगा, बीसी चैप्टर में पहले पढ़ा था, ताप गुणांक वेग के बेसिस पर इसको समझ सकते हैं। क्या ताप गुणांक पढ़ा था? तो ताप गुणांक में क्या था, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस का ताप अंतर कर दें तो अभिक्रिया का वेग लगभग दो गुना हो जाता है। इसे हमने कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? ताप गुणांक KT प्लस 10 अपॉन KT। ताप गुणांक का फॉर्मूला KT प्लस 10 और KT, ठीक है। अगर हमें K की वैल्यू निकालनी हो, इसके लिए आरेनियस समीकरण दिया जाता है, K बराबर AE की पावर NA अपॉन RT, और इसके आधार पर हम किसी भी अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आरेनियस का सिद्धांत है, इसकी कुछ परिकल्पनाएं हैं। जैसे आरेनियस सिद्धांत की परिकल्पनाएं पढ़ते हैं, संकल्पनाएं। देखो, फर्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो रासायनिक वेग अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उपस्थित सभी अणुओं में से उत्पाद बनाने में केवल वही अणु भाग लेते हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, अर्थात ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे अणुओं को कहते हैं सक्रिय अणु। ऐसे अणु को क्या कहते हैं? सक्रिय अणु। तो ये हो गई फर्स्ट परिकल्पना, जिसमें क्या बताया, सक्रिय अणु होते हैं जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, सेकंड, सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी। मतलब जैसे अगर हम ग्राफ देखें तो ये सक्रिय ऊर्जा ए की वैल्यू, ठीक है, और इसमें देखते हैं इसमें सक्रिय ऊर्जा का मान कम है। देखो, इसमें एनर्जी लेवल कम पार करना है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, इसमें ज़्यादा है। तो अणु इसकी तुलना में इतनी ऊर्जा बहुत आसानी से प्राप्त करके उत्पाद में बदल जाएंगे। तो इसमें सर ये बताया है, जितनी ऊर्जा कम होगी सक्रिय अणु उतने होंगे। मतलब इस ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले अणुओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया वेग उतना ही बढ़ जाएगा, वेग उसके साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं के अनुपात में वृद्धि होती है, अतः अभिक्रिया वेग बढ़ता है। यह भी हमने यहाँ पर बताया कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वेग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अभिक्रिया वेग में सक्रिय अणुओं की सांद्रता, अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर करता है, बार बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी सक्रिय अणु है, सक्रिय अणु ही उत्पाद में बदलते हैं। ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ती है, मतलब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर करता है, जितनी सक्रिय अणुओं की सांद्रता है, सक्रिय अणुओं की
सांद्रता पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, 5 सक्रिय ऊर्जा अभिकारक के अणुओं के आपस में टकराने से प्राप्त होती है। ये एनर्जी लेवल कब प्राप्त कर सकता है कोई भी अणु? जब उन अणुओं में टक्कर हो रही होगी और टक्कर से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इस ऊर्जा को प्राप्त ऊर्जा स्तर को प्राप्त करेंगे। तो टक्कर होंगी तो क्या बताएं, टक्कर होंगी तो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होगी, और जितनी सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होगी उतना अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट, सक्रिय अणु अन्य सामान्य अणुओं की तुलना में अधिक ऊर्जा रखते हैं, तभी तो वो उत्पाद बनाते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक ऊर्जा होने से वो अवरोध को पार कर सकते हैं। तो सामान्य अणुओं की ऊर्जा कम और सक्रिय अणुओं की ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब सक्रिय अणु अन्य सक्रिय अणु से टकराते हैं, कैसे अणु सक्रिय, सक्रिय मतलब टक्कर से उन्हें सक्रिय ऊर्जा अर्थात सक्रिय और सक्रिय ऊर्जा के स्तर को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो गई तो वह सक्रिय अणु में बदल गए। तो जब एक सक्रिय अणु अन्य सक्रिय अणु से टकराते हैं तो बनते हैं सक्रिय संकर। जब सबसे पहले क्या बनते हैं, सक्रिय अणु टकराया सक्रिय अणु से, सक्रिय अणु टकराया सक्रिय अणु से मतलब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले क्या बनते हैं, सक्रियत संकर, क्या बनते हैं सक्रियत संकर। ये सक्रियत संकर ही आगे जाके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये सक्रिय संकर क्या करते हैं, आगे जाके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 पॉइंट, सक्रियत अणु भी टक्करों के परिणाम स्वरूप सामान्य अणुओं में बदलते हैं। पहले सक्रिय अणु ऐसा भी हो जाता है कि सक्रिय अणु किसी सामान्य अणु से टकराया तो ऊर्जा उस पर स्थानांतरित हो गई, तो सक्रिय अणु भी टक्करों के बाद सामान्य अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं, या फिर उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा एनर्जी को लॉस कर दिया तो सक्रिय अणु भी किस में बदल सकते हैं, सामान्य अणुओं में बदल सकते हैं। 8वां पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर ग्राफ देखें तो इसको मैं दोबारा बना रही हूँ, ये जैसे अभिकारक है और यहाँ उत्पाद के लिए ग्राफ, इन यहाँ से यहाँ बदलने के लिए इतनी एनर्जी लेवल को प्राप्त करना, तो ये क्या है EA, सक्रिय ऊर्जा इस एनर्जी लेवल को जो प्राप्त करते हैं पार करते हैं वो सक्रिय अणु होते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं उत्पाद, यहाँ अभिकारक और यहाँ एनर्जी लेवल, और ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था या फिर मध्यवर्ती अवस्था। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग है दहली ऊर्जा, दो टर्म है, एक है दहली ऊर्जा एक है सक्रिय ऊर्जा, तो हम पहले दोनों की परिभाषा जान लेते हैं। देखो दहली ऊर्जा क्या होती है, किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, किसी भी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, तो मैं लिख रही हूं सिर्फ न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। तो ये तो अभिक्रिया को प्रारंभ कर देती है। इसके अलावा अगर सक्रिय ऊर्जा की बात करें तो यह भी न्यूनतम ऊर्जा होगी, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा जो ये भी इससे ज़्यादा ऊर्जा भी हो सकती है, लेकिन ये कम न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक को चेंज कर देती है उत्पाद में। ठीक है, दोनों, ये तो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है जो अभिक्रिया प्रारंभ करती है, ये न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है कि इससे ज़्यादा हो तो भी उत्पाद बनेगा लेकिन इससे कम होने पर उत्पाद नहीं बनेगा, ये न्यूनतम एक लिमिट है, इससे अभिक्रिया ऊर्जा ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सक्रिय ऊर्जा हो गई। अगर हम सक्रिय ऊर्जा EA बराबर लिखें तो हम कह सकते हैं दहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की औसत ऊर्जा के बराबर ये होता है। ठीक है, तो EA सक्रिय ऊर्जा बराबर इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट है सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा, सक्रिय
ऊर्जा की अवधारणा। अब सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा में केवल ये ही बताया गया है कि अणुओं को अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए पहली बात तो है कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा चाहिए, उसी के बाद अभिकारक अणु आगे जाके उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके अलावा जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो अभिकारकों में निहित ऊर्जा के समान नहीं होती, मतलब अभिकारक जब अभिक्रिया करने वाले अभिकारक में जो अणु हैं उनमें कुछ ऊर्जा है जो अभिक्रिया को प्रारंभ कर रही है, तो वह ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर नहीं होती है। अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अणुओं के मध्य सबसे पहले क्या होती है, टक्कर। क्या बताता है अणुगतिक सिद्धांत, अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर होने से उनकी दिशा व वेग दोनों में परिवर्तन होता है। यदि अणुओं की ऊर्जा व उस ऊर्जा को रखने वाले अणुओं की प्रायिकता की संख्या इनके मध्य आरेख खींचा जाए तो आरेख कुछ इस तरह का प्राप्त होता है, जो तुम्हारे नोट्स में बना हुआ है। आरेख कुछ इस तरह का प्राप्त होता है, मैं इसी तरह बना रही हूँ। इसमें इधर ऊर्जा है, यहाँ पर है अणुओं की संख्या जो ऊर्जा को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी लेवल, यहाँ से और यहाँ तक, क्या इस सक्रियण ऊर्जा का लेवल है। इस ऊर्जा लेवल में जो भी, इससे ऊर्जा लेवल को जो भी पार करते हुए जाएंगे वो सक्रिय अणु हो जाएंगे। तो इस क्षेत्र में कौन से अणु आते हैं, सक्रिय अणु आते हैं। बस इतना बताया है कि अगर हमें पहले तो सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा में केवल ये बताया है कि अणुओं के मध्य टक्कर होती है, टक्कर से वो ताप बढ़ाते हैं, टक्कर होती है, टक्कर से उनको सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त होने के दौरान जब टक्कर होती है तो उनकी दिशा वेग परिवर्तित होते हैं, और अगर इनके मध्य ऊर्जा को रखने वाले अणुओं तो ऊर्जा के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बात और देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के जो अभिकारक होता है उसके अणुओं को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है तो क्या सभी अणुओं को समान गतिज ऊर्जा होती है, नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा इक्वल नहीं होती, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती है। इसीलिए इसका मतलब कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी, कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसीलिए वोल्ट्जमैन ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को समझने के लिए कि कौन सा अणु अधिक गतिज ऊर्जा रखता है, किसका वेग बढ़ जाता है, किसका वेग घट जाता है, इनका अच्छे प्रकार से अधिकांशतः अध्ययन करने के लिए, लगभग सभी अणुओं के व्यवहार को समझने के लिए NE/NT व गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमें नहीं पता किस अणु की गतिज ऊर्जा कितनी है, किस अणु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, किस अणु की गतिज ऊर्जा कम है, तो हमें सभी अणुओं के व्यवहार को समझने के लिए किस किस के मध्य ग्राफ खींचा, NE/NT व गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचा, जहाँ पहले ये देख लो NE क्या हो सकता है। NE है ई ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या और NT है कुल अणुओं की संख्या, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ हुआ प्राप्त इस तरह का, NE/NT गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है, ये वक्र क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ वक्र का शीर्ष
यहाँ वक्र का शीर्ष सर्वाधिक अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, शीर्ष क्या बताता है, अति संभाव्य मतलब जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा की मात्रा अर्थात अणुओं की सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा, अणुओं की सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को क्या प्रदर्शित करता है, ये शीर्ष प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है शीर्ष दाईं ओर खिसकता है और अधिक ऊर्जा के मान की तरफ हो जाता है। ठीक है, अधिक ऊर्जा मतलब इस तरफ दाईं ओर खिसकेगा, किस ओर या ऊर्जा का मान ज़्यादा है इस ओर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे शीर्ष खिसकेगा दाईं ओर और अधिक ऊर्जा की तरफ हो जाता है और वक्र का फैलाव भी किस ओर हो जाएगा, बाईं ओर, फैलाव भी किस ओर बढ़ेगा, वक्र का फैलाव भी दाईं ओर बढ़ जाता है। लेकिन वक्र के अंतर्गत का क्षेत्र कैसा रहता है समान, मतलब ये है कि ये इस तरह से ये तो जो क्षेत्र है ना वो उतना ही रहेगा, और जैसे अभी ये इतना वक्र था जैसे ताप बढ़ाया तो यूं बन गया, तो फैलाव ये और ये कैसा रहता है, बराबर रहता है। क्योंकि जो कुल संभाव्य संभाव्यता है का मान हर समय एक क्षेत्र में ही समान बना रहता है, एक क्षेत्र में कैसा बना रहता है, समान बना रहता है, मतलब ये क्षेत्र हमेशा ही समान बना रहेगा। और इसके बाद जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं या सक्रिय ऊर्जा से मतलब यही होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है ताप में वृद्धि के साथ ये की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्यों टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, और ताप गुणांक के अनुसार 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देने पर तापमान बढ़ता है और अभिक्रिया वेग लगभग दोगुना हो जाता है। तो अगर हम इसके मध्य भी ग्राफ दिया हुआ है जिसमें टी डिग्री सेल्सियस और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अभी हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था और आरणीय सिद्धांत पढ़ लिया जिसमें बार बार यही बताया जा रहा था ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी, उत्पाद से अभिकारकों में अभिकारक से कितने क्या बनेंगे उत्पाद बनेंगे। अब है उत्प्रेरक का प्रभाव। अब उत्प्रेरक क्या क्या प्रभाव होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, मार्ग को छोटा कर देता है अर्थात अभिक्रिया को तेज करता है। जैसे देखो हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक प्रभाव, तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या पड़ता है, ऐसे प्रभाव जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है लेकिन रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। देखो तो वो क्या कहलाते हैं, वो उत्प्रेरक का प्रभाव कहलाता है। मतलब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमने उत्प्रेरक का प्रयोग कर लिया तो कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा रासायनिक संगठन में, केवल उत्प्रेरक के द्वारा रासायनिक वेग बढ़ जाता अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे हम हैबर विधि में, एक हैबर विधि है जो जिसका प्रयोग करते हैं अमोनिया के निर्माण में, अगर इसमें हमने आयरन चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया तो अमोनिया के बनने की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अगर हम उत्प्रेरक के द्वारा इसकी क्रिया विधि को समझे किसी अभिक्रिया की, तो देखो क्या होता है, जैसे अगर हम पहले इसका उदाहरण लिख देती हूँ मैं, N2 3S2 अगर इसमें Fe चूर्ण लेंगे तो अभिक्रिया बहुत तेज हो जाती है। अब देखो जैसे कैसे बढ़ता है अभिक्रिया वेग उत्प्रेरक से, उत्प्रेरक क्या करता है ऐसा, तो देखो ए बी के मध्य अभिक्रिया कराई तो क्या बनेगा, ए बी उत्पाद बन गया। ठीक है, अब ये ए बी उत्पाद, ए प्लस बी से ए बी उत्पाद बनाने में अगर हमने कर लिया उत्प्रेरक का प्रयोग, तो उत्प्रेरक क्या करता है, एक बात और, ए और बी इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते कि ए बी उत्पाद आसानी से बनाया जा सके, मतलब अभिक्रिया वेग इस समय बहुत कम है, हमें अभिक्रिया वेग बढ़ाना है उत्प्रेरक के द्वारा। तो क्या करेंगे, देखो ए प्लस एक्स लगा दिया हमने उत्प्रेरक, तो एक्स क्या करेगा, ए के साथ जुड़कर एक संकुल बनाएगा, इसे कहेंगे मध्यवर्ती संकुल। ठीक है, अब ये ए प्लस एक्स
किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, ठीक है। ये एक्स उत्प्रेरक ऐसा है जो ए के साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर सकता है और बी के साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन ए भी आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकते थे, तो क्या किया, ए ने पहले एक्स दोनों से कर सकता है, ए भी आपस में नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ए पहले एक्स से जुड़ेगा और फिर बी के पास जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ के खुद अलग हो जाएगा। और इस तरह ही उत्प्रेरक का काम होता है, ये उत्प्रेरक अलग हो गया, अब उत्प्रेरक जैसा जुड़ा था वैसे ही अलग हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, संगठन भी अभिक्रिया का संगठन भी सेम है, बस अंतर क्या है, अभिक्रिया वेग बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इनके मध्य, तो देखो हमें ए प्लस बी को जोड़ना है और यहाँ उत्पाद बनना पीई, ये है अभिक्रिया की प्रगति, ओके। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो देखो उत्प्रेरक की एब्सेंस में मार्ग ये होगा सक्रिय ऊर्जा का, ये तो सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, ये, लेकिन जैसे ही हम उत्प्रेरक प्रयुक्त करेंगे तो ऊर्जा स्तर छोटा होके ये हो जाता है सक्रिय, अब सक्रिय ऊर्जा लेवल हो गया ये, तो बताओ जब सक्रिय ऊर्जा स्तर ही छोटा हो गया, सक्रिय ऊर्जा ही कम हो गई, तो अभिक्रिया तो तेज होनी ही है, तो ये इफेक्ट पड़ता है उत्प्रेरक का प्रयोग करने पर। इसके बाद नेक्स्ट है सक्रिय ऊर्जा की गणना करना, अब हमें ई ए की गणना करनी है, तो देखो हम करेंगे फर्स्ट आलेखीय विधि से सक्रिय ऊर्जा की गणना, लिख रहे हैं आलेखीय विधि, इसके द्वारा हम सक्रिय ऊर्जा की गणना करेंगे। तो क्या है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए टी ताप पर सक्रिय ऊर्जा कितनी है, ई ए हो और वेग स्थिरांक के हो, तो आरेणीय समीकरण से के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, आरेणीय समीकरण ही होता है, ठीक है। दोनों तरफ का लॉग लेने पर, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल लॉग ए प्लस लॉग ई ए अपॉन आर टी, हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, लॉग के बराबर लॉग ए, अब इसका क्या होगा, देखो लॉग ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, लॉग ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही आ जाएगा, हमें ये माइनस इसको ही तो लाना है, लॉग को हटा देना। देखो नेक्स्ट लॉग, अब हमें क्या करना है, लॉग एक लॉग के बेस को दूसरे बेस में बदलना है, मतलब अब हमने यहाँ एल ओ जी लिया था, अब हम एल एन ले रहे हैं, नेचुरल लॉग, हमने इसे में 2.3, जब बेस बदलते हैं तो 2.303 का गुणा करते हैं और लॉग के बराबर, यहाँ पे क्या है, 2.303 लॉग एल एन ही लेते हैं, जब ऊपर एल ओ जी, लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब अगर हमें लॉग के, हाँ सिर्फ लॉग के लेना है, तो क्या होगा, देखो इसे अपॉन में पहुंचाना होगा, इसके भी भाग देना होगा, इसमें भी भाग देना होगा, है ना, तो देखो कैसे, यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो एल एन के बराबर एल, ये कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा, एल एन बचा, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 और मैंने लिख दिया 1/t, यहाँ आर लगा दिया, आर बाहर, मतलब इसको बाहर ले लिया, 1/t को अंदर लिख दिया, ठीक है। तो अभी नहीं, इसके बाद देखो आगे, और सिर्फ इसमें एक थोड़ा अरेंजमेंट ही किया है, इसके बाद यहाँ है लॉग के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t, इसको आगे ले लिया है, प्लस लॉग ए को पीछे भेज दिया और ये आ गया फॉर्मूला, आ गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम क्या करें, T1 ताप पर K1 स्थिरांक लें और T2 ताप पर K2 स्थिरांक लें, तो इस फॉर्मूले के दो रूप हो जाएंगे, एक बार में K1 यहाँ, दूसरी बार में K2 यहाँ, एक बार में T1 यहाँ, T2 यहाँ, इससे हम निकालते हैं, लेकिन इक्वेशन निकालते हैं, इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसको देखा गया, इधर इसमें इक्वेशन सेकंड इसको दे देते,
और ये वाली इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन निकालते हैं नहीं इसके बेसिस पर। तो देखो क्या आएगा, लॉग लॉग के वन बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन प्लस लॉग ए, लॉग ए इक्वेशन नंबर थर्ड, लॉग के टू बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 वन अपॉन टी टू प्लस लॉग ए इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन फोर में से थ्री को, फोर में से किसको घटाना है, तीन को, तो लिखेंगे लॉग, ये क्या होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, तो क्या आ जाएगा लॉग के टू अपॉन के वन बराबर। अब देखो इन दोनों में ये दोनों तो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, क्या गया टी वन टी टू, अभी हम ऐसे ही लिखते हैं माइनस, अभी घटा रहे हैं, माइनस ई ए अपॉन 2.303 वॉट अपॉन टी वन। ठीक है, इसको लेते हैं तो ये अंदर का माइनस प्लस ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग के टू अपॉन के वन बराबर हम क्या करेंगे, पहले इसको अंदर सॉल्व किया, ये अंदर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे इसको आगे ले लेंगे और इसको पीछे कर देंगे, और इसमें ई ए अपॉन 2.303 कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे ई ए अपॉन 2.303 कॉमन लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा टी वन, अब ये तो माइनस का है, माइनस टी टू हो गया। अब आगे लॉग के टू अपॉन के वन बराबर ई ए अपॉन 2.303 टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। ठीक है, तो अब हमें टी वन टी टू बताना है, तो क्या है यहाँ टी वन टी टू के वन व के टू के मान ज्ञात होने पर, क्या ये के वन के टू टी वन, तो हम इन की वैल्यू हमें ज्ञात हो तो हम आराम से ई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो हम ई ए के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, पछांत इसका पछयान चेंज किया है तो ई ए के फॉर्म में, तो हमें सिर्फ ये करना है कि इनकी वैल्यू हमें पता होने पर हम ई ए की गणना कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से निकाला है, आलेखीय विधि है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो नया टॉपिक होता है स्टार्ट, टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।